हमारे देश के एक प्रसिद्ध साइंसी तथा अनुसंधान संस्थान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू के नाम के अनुसंधान केंद्र के विशेषज्ञों के साथ जिला डोडा के गंदो बलेसा क्षेत्रों का दौरा किया। जम्मू से 275 किलोमीटर दूर गंदो बलेसा जैसे पहाड़ी क्षेत्र के विकास और लोगों की खुशहाली के लिए बने कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाना ही इस दौरे का मकसद था। विशेषज्ञों ने इस क्षेत्र को टेक विलेज के तौर पर अडॉप्ट करने के फैसले पर अमल कराने की खातिर ही इस दौरे का आयोजन किया। यहाँ जो 52 पंचायतें हैं 52 पंचायत है, वहां के सरपंचों से हमने बात कर ली, क्योंकि अपने गांव के बारे में आपसे ज्यादा कौन जानता है। कि यूं तो पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, लेकिन शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। अगर इंसान अपनी मेहनत अपने हाथों से कोई भी प्रोडक्ट करे तो वो मुलाजमत से बेहतर है। तो मेरा यही आदेश है नौजवानों के लिए कि वो मुलाजमत का चक्कर छोड़कर किसी प्रोडक्ट के साथ हाथ जोड़े और अपनी कमाई जो है वो अपने हाथों से करे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। आज मैं इस प्रोग्राम में आई और मुझे बहुत अच्छा लगा, और हम चाहते हैं कि सारे लोग ध्यानपूर्वक से सुने और अपने गांव में जाके सबको बता के और अच्छी तरक्की की और बढ़ें। अगर ऐसे ये प्रोग्राम हों तो ये आवाम को एक जागृति पैदा हो जाएगी। जो आपका ये मिशन, हमने यहाँ पर प्रोग्राम देखा, इसमें हमारी जो ये गरीब लोग हैं मेरे साथ, इनको फ़ायदा पहुंचेगा। जिसमें टेक विलेज का कंसेप्ट दिया गया है, हमारा जो यहाँ पर भलेसा में इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रिसोर्सेज हैं, मुझे लगता है इस प्रोग्राम से उन सबको हम बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। भारत एक कृषि प्रधान देश है। आज भी भारत की अधिकांश जनता कृषि करके जीवन व्यापन करती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत का हृदय गांव में बसता है। गांव में ही सेवा और परिश्रम के अवतार किसान बसते हैं, और कृषि के सूत्रधार किसान की अवस्था को जानना और उससे नित नई तकनीकों से रोशनास कराना बहुत जरूरी है। किसानों की दुर्दशा का वास्तविक कारण है अशिक्षा। अशिक्षित होने के कारण न तो वो खेती के उन्नत तरीकों को जानता है और न ही अपने अधिकारों के प्रति सजग है। परिणाम स्वरूप उसकी सरलता का लाभ उठाकर साहूकार, व्यापारी और आड़ती उसको खूब लूटते हैं। मेहनत किसान करता है, जेब बढ़ती है साहूकार की। इसी के प्रति जागरूक करने के लिए यहाँ CSIR के कार्यक्रमों से संबंधित लोगों में जागृति लाने के अभियान को शुरू किया गया। जो हाई अल्टीट्यूड के मेडिसिनल प्लांट हैं, जैसे पोडोफिलम हेक्सेंड्रम है, पिक्रोरुइजा कुरु या श्वर्शिया या अल्टीमेटली ससुरिया लप्पा, जिसको कुट बोलते हैं आप लोग, उसकी तो बहुत इंटरनेशनल डिमांड है। तो ये एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे ये हम करेंगे इंट्रोड्यूस, पर पहले हम अपना इंट्रोड्यूस करेंगे, उसकी वैल्यू देखेंगे, फिर ही तभी हम फार्मर्स को उसमें लाएंगे। और एक सबसे बड़ा वहाँ पोटेंशियल जो मुझे दिखा है, हमारी टीम को दिखा, कि एक जो ऑर्गेनिक कल्टीवेशन है का पोटेंशियल बहुत ज़बरदस्त है उधर, क्योंकि अभी कश्मीर के मुकाबले में पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड यूज़ काफ़ी कम है और लैंड में अभी भी अपनी नेचुरल फर्टिलिटी है। तो उनको अगर हम सर्टिफिकेशन प्रोसेस शुरू कर दें अभी से, तो हम जो FDI इन रिटेल का जो डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होने वाला है, उसमें जम्मू एंड कश्मीर को बहुत बड़ा एक रोल मिल सकता है अगर हम अभी से मैं आपको तैयार करें एक दो साल में। तो ये चूँकि लैंड होल्डिंग छोटी हैं, तो हाई वैल्यू मटेरियल करेंगे तो
FDI रिटेल के थ्रू बड़ी कंपनियों का अगर बाई बैक गारंटी मिल जाता है 5-10 साल के लिए तो इकोनॉमी पर बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस। तो हमारा ये भी एफर्ट रहेगा कि सर्टिफिकेशन कैसे दिलाएं उनको। हम क्षेत्र के गांवों को टेक विलेज स्कीम के तहत लाने के अपने मकसद को पूरा करने के लिए टीम ने लोगों की जरूरियात का जायजा लिया। क्षेत्र के NGOs और स्वयं सेवी सोसाइटियों को आगे आने का आग्रह किया गया ताकि यहां के कृषि क्षेत्र को साइंसी बुनियादों पर लाया जा सके और मेडिसिनल प्लांट्स को उगाने के तौर तरीकों से लोगों को अवगत कराया जा सके। आजकल जो रूरल डेवलपमेंट या रूरल प्रॉस्पर्टी की बातें की जा रही हैं पूरे देश के किसानों को, और उसके तहत एक हमारे पास CSER 800 का प्रोजेक्ट है जिसमें 800 मिलियन पीपल ऑफ इंडिया को जॉब प्रोवाइड करना है, उनके खेतों में, उनके खलिहानों में, उनके घरों में, उनके गांवों में, ताकि इनका माइग्रेशन शहर की तरफ न हो सके। स्कूलों में टीम ने बच्चों को क्षेत्र में समृद्धि लाने के कार्यक्रमों में न केवल भाग लेने को कहा बल्कि घर घर जाकर CSIR के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देने के लिए कहा। ये प्रोग्राम जो है बहुत ही नॉलेजेबल है और ये इसमें बच्चे जो हैं वो अपना कैरियर जो है वो डिसाइड कर सकते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये ऐसे प्रोग्राम जो हैं वो सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, सभी पंचायत में होने चाहिए। जो आपका पहला प्रोग्राम यहाँ पर गंदों में हुआ है और उसके बाद हमारी हायर सेकेंडरी में हुआ है तो काफ़ी बच्चे अवेयर हुए हैं इसे और इस प्रोग्राम से, और ऐसी बात नहीं है, इंशाल्लाह रहमान हम इस प्रोग्राम में आपका काफ़ी कोऑपरेट करेंगे ताकि ये कामयाब हो जाए। CSIR के विशेषज्ञों के दौरे से क्षेत्र के लोग उत्साहित हैं। हर जबान पर आज एक ही बात है कि वो दिन अब दूर नहीं जब CSIR और IIIM की सहायता से ये क्षेत्र दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करने के अपने सपनों को साकार कर सकता है, और ये सब राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आज़ाद की दूरंदेशी और कोशिशों का परिणाम है।